हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? यहाँ से बाकी था हमारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया जैसे, सम एल्गी जैसे हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं जैसे कि एल्गी एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सारे टाइप के एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, राइट? तो आइस जैसे ठंडे में भी रह सकते हैं, या तो गर्म स्प्रिंग में जैसे में भी रह सकते हैं, एंड डेजर्ट्स टू मार्सी लैंड्स, राइट? तो डेजर्ट में भी हो सकते हैं और मार्सी लैंड में भी हो सकते हैं, सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो ह्यूमन की बॉडी में भी उनको देखा गया है, तो ऐसे दूसरे एनिमल्स की बॉडी में भी देखा जा सकता है उनको। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरों के ऊपर ग्रो होते हैं, या तो दूसरे, या दूसरे जो है वो फ्रीली भी रह सकते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो कितने के अंदर रहते हैं, कितने फ्रीली रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, तो हमारा उनका क्या लेना देना है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कितने जो है वो बहुत सारी तरह से बेनिफिशियल है, वेर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नुकसान करते हैं, दूसरे जो है वो नुकसान करते हैं। कितने बेनिफिशियल है, कितने नुकसान करते हैं, एंड कॉज डिसीज, और उनकी वजह से फिर डिसीज होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, तो डिटेल में उनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेज, तो उनका यूज़ हम अलग अलग तरीके से करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, तो कर्ड ब्रेड और ब्रेड के को प्रिपेयर करने के लिए इनका यूज़ करते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजिस, और बहुत पुराने टाइम से अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता रहा है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए भी उनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल फील्ड्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिकिस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इन टू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेज बाई बैक्टेरिया, राइट? तो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिकीस, तो ये सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करते हैं, राइट? ब्रोकन डाउन करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टेरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपेरेशन ऑफ मेडिसिन, राइट? बैक्टेरिया का यूज़ मेडिसिन में भी होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो एग्रीकल्चर के अंदर उनका यूज़ सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। कैसे? फिक्सिंग नाइट्रोजन करके, बराबर? तो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और एग्रीकल्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर पाएंगे। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में उनका यूज़ कैसे होता है? यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्नेड इन टू कर्ड बाई बैक्टेरिया, मिल्क जो है वो कर्ड में बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट होता है। आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटल कर्ड टू वॉर्म मिल्क, मैंने देखा कि मेरी माता जी जो है वो थोड़ा सा कर्ड वॉर्म मिल्क के अंदर ऐड करती है टू सेट कर्ड फॉर नेक्स्ट डे, जिससे दूसरे दिन नया कर्ड बनता है। आई वंडर वाई, मुझे वंडर हुआ, मतलब आश्चर्य हुआ कि क्यों ऐसा होता है, राइट? थोड़ा सा कर्ड ऐड करती है मिल्क में तो कर्ड बन जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड के अंदर थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टेरियम लैक्टोबेसिलस प्रमोट्स, राइट? तो कौन सा बैक्टीरिया की बात है? लैक्टोबेसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, राइट? तो कर्ड बनाने में किसका रोल होता है? लैक्टोबेसिलस बैक्टेरियम। इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इन टू कर्ड, राइट? तो लैक्टोबेसिलस जो है वो मल्टीप्लाइज हो जाता है मिल्क के अंदर और कर्ड में कन्वर्ट करता है।
बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, राइट। तो चीज़ बनाने में, फिर पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो मिल्क में से कर्ड, फिर चीज़, फिर पिकल्स और दूसरे फूड आइटम्स बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। एन इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीस एंड भटूराज इज कर्ड, राइट। तो रवा की इडली, फिर भटूरा, वो सब में हम कर्ड डालते हैं। कैन यू गेस वाई? थोड़ी खटास रहे, राइट। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बेटर, राइट। तो डोसा और राइस इडली के अंदर फर्मेंटेशन होता है, राइट। वो फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है? कर्ड की वजह से होता है, राइट। इसलिए हम कर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं और बैक्टीरिया का ऐसे यूज़ होता है, ओके। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे एक्टिविटी 2.3, ओके।